रमन रहीम जी, सुबह सुबह का टाइम है। नमाज नमूज पढ़ ली, तिलावत भी कर ली है, और अभी बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए कराने पास। तो उन रात को ना सालानी बनाया था, जो आलू पालक के पराठे बनाए थे। तो अभी मैंने प्याज कटिंग की है, इसमें डाली थोड़ी सी पालक और धनिया। तो अभी अम्मी जी ने अंडे भेजे हुए थे, तो वो उस दिन के ना पड़े हैं, तो मैंने कहा एक अंडा डाल के ना अंडा प्याज बना देती हैं, इनको बच्चे खुश होकर खा भी लेंगे। और साथ में अभी इधर से न जी ये सब्ज मिर्च और टमाटर डाल लेती हूँ। आटा भी गूंद के रख लिया मैंने। तो अभी जी साथ साथ ये चाय डाली है, चाय पीती हूँ और खाना छाना बच्चों के लिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि 7:30 होने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं। तो ये जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, बच्चे खुश होकर खा भी लेंगे, क्योंकि बच्चों को जुकाम बुखार ना काफ़ी है। तो मेडिसिन कबीर को रात दे के सलाया था, बुखार तो सिखा, मैंने कहा छुट्टी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए बेटा अपना पढ़ के आओ। तो उसे भेज दिया। तो अभी जब मैं कटिंग करके डाल लेती हूँ सब्ज़ी मिर्च और टमाटर, तो साथ साथ चाय भी पीती हूँ, चाय भी ठंडी हो रही है। रहीम जी मसाला बना लिया सी, मसाला बना के अच्छी तरह बुनाई कर ली, आटा बिच पा के हम छुपा के रखे आदे नीचे ऐसे। तो बाहर नहीं निकले, बाहर बड़ी ठंड है। हाय हाय, बाहर बड़ी ठंड है, अंदर ही रहो, अंडे खाओ। हाँ, स्कूले भी ना जाओ। हाय हाय, नहीं फिर मैं निकलांगी बाहर, स्कूले चलो। हाँ जी, पेपर आ गए जो पुत्र जी, हूँ ख्याल पढ़िया कर अपना, तो पेपर सही सही दे। रहमान रहीम जी, शुक्र है अल्लाह पाक जी, लेट गई थी वापस आ गई है दोबारा फिर। तो जे कपड़े अभी काफ़ी सारी जे खलारा खिलरा हुआ जे क्लोज़ करती हूँ। आ गए थे मेहमान, वो गई है मेहमान, कबीर की टीचर भी आई थी, तो इसलिए अभी जे सारे कपड़े ना फटोफट प्रेस करके ना जे रख लेती हूँ, क्योंकि शादी पे गए थे वो भी आले भी ये सारे इधर पड़े हैं अभी। तो अभी करनी है जी इस्त्री, तो जे कर लेती हूँ अभी, जे काम भी मुकम्मल करना है, तो फिर शायद मेहमान ना आ जाएं, देखते हैं क्या करते हैं अभी। मन्नी रहीम जी कपड़े सारे प्रेस करके रख ले, शुक्र है मंजियाँ खाली हुई हैं, नहीं तो इतने काफ़ी खिलारा खिल रहा हुआ सी, हूँ सारिया चीज़ा अपनी जगह पर सैट सुट हो गई हैं सारी। एक पखा भी भर लिया फिर, क्योंकि सेफ दे वजह कपड़े सारे आते नहीं इस वास्ते। तो हूँ असी जी सफाई सुथराई रह गई करने वाली, वह कर दी जैसे भी मेरी पटोली वगैरह सारी फेर ली है, तो साफ सफाई भी सारी हो गई है। दूध गर्म कबीर ने बड़ी मामा जी जल्दी कर दूध गर्म करना, मैं तुम्हें अग जला के देव, तो वह चार पाई सारी पटोली शरोली मार ली है, साफ सफाई भी सारी हो गई है साड़ी। तो हूँ दूध देखती हैं दूध ना उबल जाए, माशाल्लाह जी दूध उबलने वाले है, अंदरू पाऊगा लेके आँदी हैं। आ कमरा भी जी साफ सुथरा हो गया, काली राती ने मैं चाय पीन लगी सी, तो मेरे को चाय गिर गई सी, तो हूँ सारे सारा धोता है, सारा साफ सुथरा किया हूँ इनू। तो कबीर ने ट्यूशन तो आया तो बैग इतने रख गया, तो भी साफ, दूसरा कमरा भी सारे रूम साफ सुथरे हो गए, तो हूँ दूध ना गिर जाए, तो मैं लैके आँदी हूँ जी अंदरों पाऊगा। बर्तन शर्तन भी धो के मैं सारे साफ सुथरे कर ले, हूँ रह गया शाम का खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बादल बने हुए हैं, कभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वाह फिर ना सर्दी लगनी शुरू हो गई है। तो कबीर हसैन कह रहा है कि मम्मा जी आज ना कोई करारी करारी कोई कब प्यारी सी चीज़ बना के दो। तो अभी सामान मैंने तैयार किया, जाके नीचे बहन भाइयों को दिखाती हूँ कि क्या। अभी कबीर मेरे पास खड़ा है, मामा जी जल्दी करो। तो
मैंने कहा बादल बन चुके हैं, तो बेटा जो मेथी और पालक इधर डाली हुई है ना धनिया, ये मैं नीचे लेके चलूँ तो फिर जाके बनाती हूँ। अभी चलते हैं नीचे और जाके अपना काम करती हूँ, साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूँ। हाँ जी जी, वाक हो रही है, ये केड़ी वाक है? रहीम जी, आलू, मेथी, पालक हर चीज़ कटी है, तो मौसम काफ़ी मज़ेदार, तो दिल करता बंदा पकौड़े बना के ना फिर खाए। तो हूँ पकौड़े बना लगी हैं, समान सारा तैयार है, तो हूँ देख दिए की करना है। ये सारा समान मैंने वाश करके डाल लिया, तो अभी आ गए थे मेहमान, उनके साथ लग गई थी। ये भी बेसन, साथ में नमक, मिर्च, मसाले, ये धनिया है, धनिया इसमें कूटा हुआ नहीं डालना, दूसरा डालना है। तो लौंग भी रखे हुए हैं। अभी ये सारे चीज़ें इसमें डाल के ना पेस्ट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट काफ़ी हो गए हैं क्योंकि मेहमानों की वजह से, तो अभी बच्चों को देना है कुछ खाने के लिए, आटा हुआ तो मेरे पास गूंदा हुआ है, लेकिन अभी मसाले वगैरह डाल के ना साथ पकौड़े बनाती हूँ। हमने तो कहा था कि पार्टी करेंगे क्योंकि मेहमान घर में है नहीं है तो दिल नहीं लगता, थोड़ी देर कोई शोर शराबा करेंगे, लेकिन अब देर हो गई, अब जल्दी जल्दी खा के बस। डब्बे बंद भी करके रख दी, लोग खुलारा भी ना इतना पी रहे हैं। आज बारिश का मौसम बना है काफ़ी मज़े का, दिल कर रहा था कि करारी चीज़ खाने को, तो बस इसलिए ही पकौड़े बनाने शुरू कर लिए, अब जल्दी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन खत्म हो गया है, डाल दिया मैंने सारा ही, अब ये सारे इसी तरह मिक्स कर लेते हैं। पहले रहीम जी कढ़ाई में ऊपर रख रही थी, चूल्हा ऑन कर दी है, नाल ही खराब हुई जेटी करके पानी ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ।
अपलोड ते ला देना फिर कल हुंदी रहेगी। जितना पता चले उसमें को पूछ लें। लोकेशन पाकिस्तान। इसमें रमन निरानी जी की मैंने ऐड कर दी है। अब घी को अच्छी तरह गर्म करती हूँ पहले। थोड़ा सा रखना है तवा। घी गर्म हो गया इतनी देर। गर्म हो गया पहले मैं पोटाश पा लेनी ऊपर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रोटी बना ली है, पकौड़े भी बना लाए, तो हम बैठ के खाने, बच्चे ने पकौड़े खाने तो पकौड़े खा रहे, क्योंकि आज चटनी चटनी नहीं है, दही नहीं थी। हाँ जी, कॉलेज नहीं है तो बैठ के और आओ प्लेट एक टोके पर और प्लेट कड़ी नहीं हो लिया टोकरी कड़ी अपनी दूसरी आंटी को भी पहुंच गई आंटी तुम्हारे को अला।